टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए यहां जम्मू के आसपास की साइट सीइंग के लिए यहां पर एक इंतजाम किया गया। आज उसी के तहत यहां पर एक फ्लैग ऑफ किया गया है गाड़ी को यहां, जिसमें यात्री जो हैं बैठकर जम्मू के आसपास जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, चाहे वो सुचेतगढ़ ऑक्ट्राई बॉर्डर है जो पाकिस्तान और जम्मू का और भारत का, या जम्मू के आसपास चाहे बागे बहू हो, काली माता का मंदिर, गंडोला, मुमाया माता, इन आसपास की जगहों पर आज उनको साइट सीइंग के लिए ले जाया गया है और डायरेक्टर टूरिज्म ने इसको फ्लैग ऑफ किया है। मेन पर्पस और उद्देश्य यही है कि यहां पर आए हुए जो यात्री हैं, जिस तरह से लगातार बारिश की वजह से ये यात्रा रुकी हुई और आज दूसरा दिन है ये यात्रा रुकी हुई है, इसी बीच में जो है उनके समय को यूटिलाइज करने के लिए जो है उन्हें अलग अलग जगहों पर जम्मू के आसपास ले जाया जा रहा है, ताकि वो यहां की भी टूरिज्म डेस्टिनेशन को देख सकें और एक तरह से टूरिज्म को जो है प्रमोशन मिल सके। अखनूर के भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डेजिग्नेट किया गया है, यहाँ पर चाहे चिनाब दरिया हो, उसके आसपास के इलाके, वहाँ पर भी जाकर जो है यात्री आनंद ले सकें, मज़ा ले सकें। यहाँ के जो खूबसूरती है टूरिज्म की, आप सामने देख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले ही ये यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया, फ्लैग ऑफ की गई है गाड़ी, उसी के तहत जो है आज ये प्रोग्राम किया गया है कि एक गाड़ी जो है यहाँ से निकलेगी। कुछ यात्री भी हैं हमारे साथ यहाँ पर। आप कहाँ से? आप राजकोट से हैं? राजकोट से। तो आपकी कब यात्रा थी आज गाड़ी जाने? 8-9 तारीख की थी, अभी पता नहीं है ऊपर बधाई। अभी आज की डेट कल की है ना? हाँ। लेकिन जिस तरह बारिश की वजह से जो है यात्रा इस समय रुकी हुई है, तो अभी फिलहाल आप कब पहुँचे? बाजी कभी आया यहाँ है। तो अच्छा, तो जम्मू में वो इधर है ना आश्रम, बापू का आश्रम में रुके हुए हैं वो, लेकिन खाने पीने की रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है आपका, आप लोगों का सबका काम। अभी आज जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक शुरुआत की गई है कि एक गाड़ी का इंतजाम किया गया है कि यात्री उसमें बैठकर जम्मू के आसपास के जो कुछ ऐसी जगह हैं घूमने की, वहां पर ले जाया गया है। SRTC की तरफ से एक नॉमिनल सा आपसे किराया लिया जाएगा, बाकी आपको घुमाकर वापस यहां लाया जाएगा। आपको इस बारे में पता है? नहीं, हमको नहीं पता। जो गाड़ी निकली है? नहीं, हमको नहीं पता। तो इस तरह की शुरुआत जो है की गई है, अभी आपको पता चल जाएगा, यहीं से आप पता भी कर सकते हैं कि जो इस तरह से घूमने के लिए, जिस तरह से अभी आपकी यात्रा नहीं है, आप लोग भी जा सकते हैं। आपको भी पता है कुछ इस बारे में? किस चीज़ में? है कि जब तक आपकी यात्रा नहीं शुरू हो जाती, जैसे यात्रा रुकी हुई है, तो आप जम्मू के आसपास के इलाके भी जो घूम सकते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट के जो इलाके हैं। नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल अभी आज जैसे शुरुआत की गई है, कुछ यात्रियों को ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है इनके पास होगी, ताकि अगर उनकी यात्रा का डे कोई और है और उस बीच में अभी ये यहाँ पर हैं, तो या जम्मू के आसपास के जो बड़े खूबसूरत इलाके हैं वहाँ पर ये जाकर घूम सकते हैं। अखनूर का इलाका है और यहाँ पर ऑक्ट्राई जो है, सुचेतगढ़, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा का, वहाँ पर बड़ा खूबसूरत वहाँ पर मीटिंग रिट्रीट भी होती है। आज सैटरडे है, वहाँ पर ये प्रोग्राम भी होता है और कुछ मंदिर भी हैं यहाँ पर हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सब यात्रियों को जो है इस बारे में जब जानकारी मिलेगी, ये भी इस वक्त का और इस समय का जो है लाभ उठाएंगे और इन जगहों पर साइट सीइंग करेंगे। और आज रुकी हुई है तो उस रेफरेंस में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हम लोग अपना ऐसा एक रीशेड्यूल रखा हुआ था कि अगर यात्रा रुके और यात्री बेस कैंप में रुके, तो उनको जम्मू शहर के आसपास जो भी देखने लायक चीज़ें हैं, जो हमारे टूरिज्म को दिखाना हो हमें अपने डेस्टिनेशंस को, तो SRTC के मदद से उनके हेल्प मिली। हम लोग अगले 1-2 दिनों तक, जब तक यात्रा रुकी है, ये बसें बेस कैंप से, यात्री निवास भगवती नगर से चलती रहेंगी। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं उनको जम्मू और उसके आसपास की जो वॉकेबल मीन्स जो आधे घंटे 1 घंटे की दूरी पर है और रीजनेबल प्राइस पे SRTC ने उनके लिए चलाई हुई है बसें, लोग घूमेंगे फिरेंगे और वापस बेस कैंप में उनको